वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंगलवार की सुबह सुबह ईडी ने झंझारपुर के पूर्व विधायक के ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। झंझारपुर स्थित गंगापुर, पटना और पुणे के आवास पर एक साथ ईडी की छापेमारी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पूर्व विधायक के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे ईडी की टीम ने झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव के लखनऊ प्रखंड के गंगापुर स्थित आवास पहुंचे और छापेमारी की है। झंझारपुर के साथ साथ पूर्व विधायक के पटना और पुणे स्थित आवास पर भी छापेमारी की बात बताई जा रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ पहुंचे ईडी के एक दर्जन अधिकारी गुलाब यादव के घर कोने कोने की तलाशी ले रहे हैं। छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों ने गुलाब यादव के घरों को घेर लिया है। स्थानीय लोगों की माने तो सुबह 5 बजे से ही टीम पहुंची थी। वही रेड को लेकर स्थानीय प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा ईडी की टीम ने उनके पटना और पुणे आवास पर भी सुबह से रेड के लिए पहुंची है। सूत्रों की मानो झंझारपुर आवास पर गुलाब यादव फिलहाल मौजूद नहीं है। उनकी पत्नी और एमएलसी अंबिका गुलाब यादव और उनकी बेटी बिंदु गुलाब यादव से टीम पूछताछ कर रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में वीआईपी ने गुलाब यादव को झंझारपुर से टिकट देने का ऐलान किया था, लेकिन एन वक्त पर गुलाब यादव से टिकट छीना गया, जिसके बाद गुलाब यादव ने मायावती की पार्टी भाजपा से टिकट हासिल कर लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल मधुबनी में पूर्व विधायक गुलाब यादव के घर ईडी की रेड जारी है और बेटी और पत्नी से पूछताछ कर रही है। आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तब लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें।